लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स है। इनमें से लॉजिकल एंड और लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेटर्स है और लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर्स को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, जबकि यूनरी ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ही जरूरत है। तो इसे मैं एक्चुअली शेल के साथ भी करके आपको दिखाता हूं। तो मैं ओपन करता हूं एक न्यू शेल। ओके, यहां पर एक न्यू शेल ओपन है, मैं एक बार जूम करता हूं। ओके, तो ये जो एंड और या नॉट ऑपरेटर, इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर आप यहां यूज में लेंगे ना, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने एंड यूज में लिया तो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये कि पाइथन के लिए ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, पाइथन के लिए ये कुछ रिजर्व्ड है। ओके, चलो, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, ऑपरेंड्स कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 6। अब अगर दोनों साइड के जो इसके ऑपरेंड मिले ट्रू है, वो दोनों ही ट्रू अगर हो गए तो कंप्लीट रिजल्ट ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देने वाला। सर ट्रू लिखा आएगा, बिल्कुल ट्रू या फॉल्स लिखा आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ये फॉल्स दे दिया इसने, क्यों? 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला फॉल्स है। तो एंड के लिए ये कंपल्सरी है, उसके नाम से हम समझ सकते हैं एंड। एंड का अगर रिजल्ट ट्रू आना है तो उसके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होने चाहिए। इसको हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज में ट्राई करता हूं। पहले मैं देता हूं फॉल्स, एफ कैपिटल होना चाहिए, है ना, फॉल्स एंड फॉल्स। इस केस में ये फॉल्स देगा, फॉल्स एंड ट्रू, एंड ट्रू में ट्रू, ट्रू ये फॉल्स दे रहा है, फॉल्स देन ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स दिया, फॉल्स एंड सॉरी ट्रू एंड ट्रू चाहिए आपको, ट्रू एंड ट्रू। रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। तो एंड ऑपरेटर सर अगर हम इसमें मैं कहता सर अगर इसमें हम जैसे कि आपने 4 ग्रेटर देन 5 ये एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4 एंड 6 इक्वल्स टू 6 करते तो मतलब आंसर ट्रू और फॉल्स में आता था? तो देखो 4 इक्वल्स टू मतलब सॉरी 4 है ना, 4 इक्वल्स टू मतलब मैंने बोला इसे हम इक्वल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसे हम असाइनिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ये असाइनिंग ऑपरेटर है। हां सर, तो 4 इक्वल्स 4 एंड 6 इक्वल 6। तो अब देखो पहले इनके दोनों ऑपरेंड्स इवैल्यूएट होंगे, 4 इक्वल्स 4 मींस ट्रू, 6 इक्वल्स 6 मींस ट्रू, ऑल टुगेदर रिजल्ट ही आपको ट्रू देगा। टोटल ओके सर, क्लियर हुआ? हां सर। अब आपके पास और ऑपरेटर है, तो और के भी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तो देखो आप क्या करने वाले हो, लेफ्ट और राइट साइड में कोई ना कोई एक्सप्रेशन ही दोगे, तो उसका ऑल टुगेदर रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मैं यही चारों पॉसिबिलिटीज और के साथ ट्राई करता हूं, फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट आ गया फॉल्स। ओके, फॉल्स और बाकी सब केस में ट्रू है। हाँ, बाकी सब केस में ट्रू मिलेगा, ट्रू और ट्रू, नहीं ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू और यहाँ पर आप देखो एंड का मतलब आपको पता है, एंड एंड मतलब थोड़ा कंपल्शन है, ये भी सही होना चाहिए ये भी सही होना चाहिए, एंड का मतलब वो लॉजिक गेट्स वाली कंडीशन हो गई। हाँ बिल्कुल, है ना। और का मतलब क्या होता है, या तो ये सही हो तो भी सही है या ये होगा तो भी चलेगा कुछ ऐसा, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास है नॉट, लॉजिकल नॉट, है ना, लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर है। तो यहां पर भी आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो, जैसे मैंने दिया 6 इज ग्रेटर देन 7
यहाँ पर मैं देता हूँ नोट, सिक्स इज ग्रेटर देन सेवन. अब देखो सिक्स इज ग्रेटर देन सेवन का क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा. अब यहाँ नोट लगा हुआ है इसलिए ये उसको इन्वर्स कर देगा. ओके सर, है ना? तो फॉल्स रिजल्ट आना चाहिए था, फॉल्स को नोट क्या कर देगा, इन्वर्स, तो आपको ट्रू मिलेगा. तो इसका दो ही पॉसिबिलिटी है, नोट क्या के या तो फॉल्स आ सकता है, है ना, और नोट के आगे या तो ट्रू आ सकता है. तो जो भी रिजल्ट होगा उसको ये क्या कर देगा, इन्वर्स. ये समझ में आ गया? समझ. हाँ सर समझ. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर कंप्लीट है, लेकिन मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा इसका, वो ट्रूथ टेबल वाला, है ना? तो यहाँ ट्रूथ टेबल का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. तो उसके लिए मैं लेता हूँ एक टेबल. यहाँ मैं देता हूँ जीरो. जीरो का मतलब है फॉल्स, ठीक है? जीरो का मतलब फॉल्स होगा, वन का मतलब ट्रू होगा. ट्रू होगा, हाँ. तो या तो मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स ही देता हूँ. तो यहाँ पर मैंने एफ लिखा, मीन्स फॉल्स एंड फॉल्स. ऑपरेटर में मैं एंड यूज में ले रहा हूँ. ये कौन सा एंड है? लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड, हाँ. एफ फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स. ये ऑटो करेक्ट की वजह से एक कैपिटल हो रहा है. ट्रू एंड ट्रू, ठीक है? जब भी एंड का एक कैपिटल हो रहा है तो मैं उसको स्मॉल कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल जरूरत है, है ना? जो रिजर्व वर्ड पाइथन के अंदर एंड के लिए वो स्मॉल एंड है ना. स्मॉल केस. रिजल्ट में क्या क्या आएगा? ये एंड है, एंड का मतलब कंपल्सरी है, ठीक है? दोनों ऑपरेंड ट्रू होना कंपल्सरी है, तो ही आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा. अभी यहाँ पर मैं आंख बंद करके क्या लिख सकता हूँ? फॉल्स फॉल्स फॉल्स. लास्ट में ट्रू, क्योंकि दोनों ऑपरेंड ट्रू. अब ऑपरेटर में लेना चाहता हूँ और ऑपरेटर के केस में क्या होगा? और ऑपरेटर, है ना? और ऑपरेटर के पेस, और ऑपरेटर के केस में क्या होगा देखते हैं. और ऑपरेटर क्या कहता है? अगर मेरे पास जो भी ऑपरेंड्स है, दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी, तो और ऑपरेटर क्या कहता है? दोनों ऑपरेंड में से अगर कोई एक ऑपरेंड बी ट्रू हो जाए तो उसका ऑल टुगेदर रिजल्ट वो ट्रू दे देगा. ट्रू होएगा, हाँ. ठीक है जी सर. तो रिजल्ट में मैं क्या कर सकता हूं? मैं देखूंगा दोनों ऑपरेंड्स में से अगर एक भी ट्रू हो गया ना तो रिजल्ट ट्रू दे देंगे. यहाँ पर फॉल्स रहेगा, यहाँ ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ये है ट्रू. और ठीक है, अब मैं ऑपरेटर लेने वाला हूँ नॉट. दो ऑपरेंड्स यहाँ नहीं आएंगे, एक ही ऑपरेंड आएगा. नॉट यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड आएगा. सर तो ऑपरेंड ए जाएगा कि ऑपरेंड बी जाएगा? मतलब कोई भी जा सकता है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं नॉट फिर, या पहले ऑपरेंड और नॉट? ऐसे नॉट लगाना पड़ेगा ना, पहले नॉट लगाएंगे ना? हाँ, आपका सवाल मैं समझ गया, पर पहले यहाँ नॉट लगाना है, पहले नॉट होना चाहिए. तो ऑपरेंड ए को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, ये वाला जो कॉलम है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट कॉलम्स. देन इसे मैं ऑपरेंड ए के नाम से जाना कर देते हैं. हाँ, एक कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, इतने चार पॉसिबिलिटीज है भी नहीं. चारों पॉसिबिलिटी में आप देखोगे तो सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसलिए तो रोज को हटा देते हैं. और देखो यहाँ पर
ये क्या कर देता है नोट, इन्वर्ट कर देगा, अगर इन्वर्ट कर देता है, ट्रू दिया उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स दिया उसको ट्रू बना देगा, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर और उनका फॉर्मेट भी वैसे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो बाकी का हम कल स्टार्ट करते हैं बिटवाइज। कल हमारा एम होगा बिटवाइज कंप्लीट करने का। ओके ओके सर, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ पूछना है तो एक बार बाय सर। हाँ, एक बार पूछो, कुछ पूछना है तो। नहीं सर, कुछ भी नहीं पूछना। नहीं सर, जो भी पढ़ा है सब सब समझ आया सर, सब क्लियर है सर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, बाय सर। ओके सर, टेक केयर।